गाइस, आप सभी को पता ही होगा हमारे सिंचन पिंचन एंड चॉप का जो पुराना स्कूल था वो पता नहीं किस तरह से बंद हो गया है और अब वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है। इसलिए अब सिंचन पिंचन चॉप का बड़ी मुश्किल में मैंने एडमिशन अवेंजर्स के स्कूल पर लगवाया है। लास्ट टाइम तो भाई वहां पर कुछ विलन्स भी आ गए थे, लेकिन गाइस अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब वो स्कूल वापस से रेनोवेट हो चुका है, मतलब एकदम बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत क्लासेस बन गई है, वहां पर टीचर्स आ गए हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं सिंचन पिंचन चॉप अपना स्कूल बैग भी लेने जा रहे हैं जो स्टॉक के पास ही मिलेगा। तब मेरे को तो मजा आ जाएगा स्कूल भाई, हमारा पुराना वाला स्कूल। हाँ गाइस देखिए, ये हमारा पुराना स्कूल है। अजी फ्रेंकी भैया, अंदर से कैसी आवाज आ रही है? अरे बाप रे, ये क्या गाइस, सिंचन पिंचन चौक के पुराने स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में रेड हल्क क्या कर रहा है? बाबा तो मेरे को लग रहा है रेड हल्क भी ट्रेनिंग लेना है। नहीं नहीं यार, कुछ और गड़बड़ है। एक मिनट, इस बोर्ड पे क्या लिख रहा है? रेड हल्क VIP स्कूल। वेट अ मिनट, रेड हल्क का कौन सा स्कूल हो गया भाई? अरे यार गाइस, आपको बताना भूल गया मैं, ये रेड हल्क ना बहुत ही बड़ा वाला शान है। ये लिटरली मैं पहले अवेंजर्स के स्कूल पे कब्जा करना चाहता। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई बस हमें अंदर जाना है। फैकी भैया, आप क्यों जा रहे हैं? क्या आपको स्कूल के एडमिशन चाहिए? अरे नहीं, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए भाई इसके स्कूल में, ऊपर वाला बचा है इसके स्कूल से। तो लेकिन जरा देखो तो सही कि असल में अपने स्कूल में करवाता क्या है। और भाई रेडल क्या कर रहा है? मूंछों की कसम, अरे बाप रे, नया बच्चा आ गया स्कूल में। आ जाओ दिखाता हूँ, देखो मेरे स्कूल में क्या खासियत है। ये है गोल्डन रिवेंजर टीचर, ये बच्चों को बॉम्ब कैसे बनाए ये सिखाता है। अरे बाप रे, बॉम्ब बनाना कौन सिखाता है अपने स्कूल में? भाई साहब ये रेडल तो बहुत बड़ा गुंडा है। अजी वाह फ्रेंकी भैया, कितना कमाल है। और इसको देखो, ये है ब्लैक फ्रैंकलिन टीचर, बॉम्ब को बनाने के बाद फाड़े कैसे ये वो सिखाता है। अरे भाई साहब गाइस, इसका कैसा स्कूल है। और इधर देखो, यहाँ पर लोगों को कैसे पीटें, चोरी कैसे करें पैसा, और यहाँ पर कैसे लोगों की किडनियां बेचें, ये सब सिखाया जाता है। ओह माय गॉड, ये तो इलीगल स्कूल चला रहा है। इसके बारे में तो गाइस रिपोर्ट करनी पड़ेगी पुलिस में। अरे पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा, मैंने पुलिस को बहुत पैसा खिलाया। ये देखो, ये सारे बच्चे बहुत ही बड़े बड़े गुंडे लोगों के बेटे हैं, गुंडे लोगों के बेटे, बहुत अमीर बापन के। ओ माय गॉड, सारे के सारे गाइस लिटरली में बच्चे ही मुझे बहुत ही बड़े वाले विलन लग रहे हैं। अब तू जल्दी बता, स्कूल में कितनी फीस देगा, $1 million या $2 million? ओ भाई साहब, मैं तेरे स्कूल में ज्वाइन नहीं होने आया, हम ऑलरेडी अवेंजर्स के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं नहीं फ्रेंकी भैया, हम यहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अबे पागल हो, ये ना हमको बॉम्ब से उड़ा देगा ट्रेनिंग करवा करवा के। हाँ आप सही रहे, फिर तो अवेंजर्स के स्कूल में चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, अवेंजर्स के स्कूल बेस्ट है। भाई साहब, तेरे स्कूल पे तो कुत्ता भी ना रड़क भाई, मैं तो अवेंजर्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा। क्या बोला, मेरे स्कूल में कुत्ता ना है? अब कुत्ते ही पढ़ेंगे मेरे स्कूल में। चलो, तुम लोग कोई कुत्ते से कम नहीं हो, तुम्हें ही पढ़ाऊंगा। यही पे कि भैया ये क्या हो गया? अरे बचाइए। अरे बाप रे, अरे जबरदस्ती कौन एडमिशन दिलवाता है अपने स्कूल में? और अरे ले, तुझसे पैसे भी नहीं लूंगा, चल स्कूल में ज्वाइन हो जा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या कर रहा है रेडल? इसने तो हमें अपने स्कूल में कैद कर लिया भाई, ये स्कूल है कि कैदखाना। ओए रेडल, हमें जाने दे यार, आज मेरा स्कूल बैग मिलने वाला था, सिंचे पिंचन चौप का भी और हमारी यूनिफॉर्म भी। फ्रेंकलिन भैया कुछ कीजिए ना, मेरी बात सुनो, बस इस रेडल को सामने से हटने दो, फिर यहाँ पर हम जाल तोड़ के निकल लेंगे। बाबा तो कल वह जल्दी कर, वरना एंट्री नहीं मिलेगी स्कूल में हमें। अरे हाँ यार, बहुत हो गया दोस्तों, अब मैं जाल को तोड़ने जा रहा हूँ। गाइस बाकी आप वीडियो लाइक कर दो और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब। अब रुक जा रहा फ्रैंकलिन, कहाँ जा रहा है? अरे गाइस, इस मोटे रेडल से कोई बचाओ, जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। ऊपर वाला करे इसके स्कूल पे बॉम्ब फट जाए और सब कुछ तबाह हो जाए, क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल इलीगल चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, इस रास्ते से मैं जाऊंगा भी नहीं। बाबा तो ये स्कूल पहले कितना अच्छा हुआ करता था, बाबा ये रेडल जैसा ने इसका नाश कर दिया। सही कह रहे हो, खैर हमें क्या। तो गाइस आज मिलने वाली है हमारी प्राइवेट यूनिफॉर्म और प्राइवेट स्कूल बैग्स और भाई नई नई टेक्निक्स। एक मिनट भाई साहब, अंदर क्या चल रहा है? लगता है कोई ट्रेनिंग चल रही है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है यार, अवेंजर्स के जितने बिलबोर्ड्स थे और यहाँ पर स्कूल बोर्ड थे सब नीचे पड़े हैं। ये देखिए गाइस, इस पर लिख रहा है अवेंजर्स प्राइवेट स्कूल। ओ माय गॉड, किसकी इतनी हिम्मत के अवेंजर्स के इतने बड़े बड़े महंगे महंगे बोर्ड्स को नीचे फेंक दे, और यहाँ पर गाइस गार्ड भी नहीं है। अबे सिंचन पिंचन, तुमने तो कोई हरकत नहीं की। हम तो अभी आपके साथ आए हैं। अरे हाँ, तुम लोग तो सही कह रहे हो। गाइस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, जरा अंदर जाकर देखो। बाबा चौब, कहीं हमारे अवेंजर्स ऊपर वाले को प्यार तो नहीं हो गए? अरे कैसी बातें कर रहे हो, उन्होंने इतना महंगा स्कूल खोला है भाई, इतने बड़े बड़े लोग हैं। अरे आग में जल जाए, थोड़ा सा साइड से निकलते हैं। अरे फ्रेंकी भैया, यहाँ पर डोर तो क्लोज है। अब तो हमको डोर को तोड़ना। ओ भाई साहब चलो, खुद ही खुल गया लगता है। गाइस यहाँ पर हमारी गाड़ी वेरीफाई हुई पड़ी है, इसलिए खुल गया। लेकिन ओ भाई साहब, ये तो आग लगी पड़ी है चारों तरफ। अरे मेरा ध्यान पहले क्यों नहीं गया? अरे हम बर्बाद हो गए, बहुत शुक्र है बच्चे बच गए, वरना क्या होता है। अरे हम कहाँ पलेंगे अब। ओ माय गॉड, अवेंजर्स ये क्या हो गया? अब ये मत कहना कि तुम्हारा स्कूल भी तबाह हो गया। अरे हो गया, बिल्कुल हमारा प्यारा स्कूल तबाह हो गया। लेकिन कैसे? एक मिनट गाइस, अब इन बच्चों क्या होगा, अब ये कहाँ पर पढ़ेंगे? फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मैं खुद सोकर उठा तो यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड क्लासेस में और पार्क में और यहाँ पर लिविंग रूम हॉल हर जगह आग लगी पड़ी है। अब हम क्या करेंगे, हम गरीब से लेके अमीर बच्चे हर किसी को एक तरह से पढ़ाते थे, सबको मॉडर्न और सबसे ज्यादा स्पेशल बनाना चाहते थे, लेकिन अब ये सपना सपना रह जाएगा। अजी बाप,
बापरे, अब हम कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ये किया किसने, मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन। अब तो मुझे लगता है मुझे भी स्कूल जाने की जरूरत है। काश यहाँ पर मैं एक बेस्ट टीचर बन पाता। अरे बापरे गाइस, ये लोग तो कुछ बताएंगे नहीं। मेरे पास आइडिया है, न्यूज पर चेक करते हैं। अरे बापरे, पता चला है अभी शहर में दो ही स्कूल रह गए, एक डॉक्टर मिक्सेट का और एक खतरनाक रेडल का। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रेडल के स्कूल में जाना या डॉक्टर मिक्सेट के। सायनरा, बाय बाय, टाटा, पाओ। ओह माय गॉड गाइस, इसका मतलब डॉक्टर मिक्सेट ने भी स्कूल खोल लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ पर यार लिटरली में स्कूल ना 100-100 साल भी चल जाते हैं, और यहाँ पर हमारे जो स्कूल से नए वाले वो एक साल नहीं टिक पा रहे हैं भाई। एक साल छोड़ो, एक महीना नहीं हुआ है जिसके स्कूल को खुले हुए। और हमारी यूनिफॉर्म का क्या अवस्था, फ्रैंकलिन वो भी चल गई। अरे हल्की यूनिफॉर्म भी चल गई, मेरी तो चड्डी तक चल गई। अरे बाप रे, अब क्या होगा फ्रैंकी भैया हमारा। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, हम दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे। क्या रेडल के स्कूल में? नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे रेडल के स्कूल में नहीं, एक मिनट फ्रैंकलिन, ये क्या कह रहा है, रेडल का कोई स्कूल है? अरे बाप रे, ये क्या उन जैसों का स्कूल और हमारी बर्बादी। कोई नहीं फ्रैंकलिन, लेकिन तू हमें लेकर कहाँ जा रहा है? मैंने अभी न्यूज पर देखा, पूरे शहर में बस अब दो स्कूल बचे, एक डॉक्टर मिक्सेट का, एक रेडल का। अब रेडल के पास तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए अब हम डॉक्टर मिक्सेट के स्कूल में एडमिशन लेंगे और यहाँ पर पढ़ाई करेंगे कड़ी से कड़ी, और पता करने की कोशिश करेंगे कि टोनी स्टार्क के स्कूल किसने फाड़ा है। भाई साहब बोर्ड पे देखिए, मिस्टर मिक्सेट पब्लिक स्कूल, क्या बात है, मतलब गाइस इस स्कूल की फीस भी ज्यादा नहीं होगी। ओ भाई कहाँ आए हो, कहाँ पर आए हो? हमें स्कूल में पढ़ना है, तो जल्दी जाओ वरना एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे मेरे को भी स्कूल में पढ़ना है। आओ तो बच्चा लोग, एडमिशन में ट्रेनिंग लेने के लिए ऐसा करनी होगी। क्या यहाँ पर एडमिशन के लिए पहले ट्रेनिंग करनी होती है? ओ भाई डॉक्टर मिक्सेट, अरे ठीक है, मैं भी यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात तो सही कही भाई मिक्सेट। और बाप रहा, ये पूरा खानदान इधर उठ के क्यों आ गया? तुम दिख नहीं रहा मैं यहाँ पर बिजी हूँ, और यहाँ पर मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं या तो लंच कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। अरे वाह गाइस, यहाँ पर तो पढ़ाई के साथ साथ भी खाना पीना भी हो रहा है, क्या बात है। अरे अंकल जी, ये स्कूल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अरे वाह, ये स्कूल सबसे बेस्ट है। और देखो बच्चा लोग, यहाँ पर जिनको भी स्कूल में ज्वाइन होना होता है, जिनकी क्वालिफिकेशन सही नहीं होती, मैं उनसे ट्रेनिंग करवाता हूँ। ट्रेनिंग में पास होने के बाद उनको उनकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म और साथ साथ में स्कूल बैग दे दिया जाता है। अरे वाह, फिर तो हल्को भी यहाँ पर स्कूल ज्वाइन करना है। अरे हाँ, हमें भी ज्वाइन करना है। बिल्कुल यार, हमारा स्कूल ब्लास्ट हो गया, इसलिए मिक्सेट हमें स्कूल में ले ले भाई, और हमारी मदद करना बाद में, हमें पढ़ाना अच्छे से और ये बताना कि हमारा स्कूल किसने फाड़ा। ठीक है बच्चा लोग, लेकिन पहले तुम्हें टेस्ट देनी होगी। टेस्ट में हारने वाला पिटकर बाहर जाएगा और जीतने वाला स्कूल का मेंबर बन जाएगा। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ। अरे बाप रे, ये तो हमें हवा में क्यों लेकर आया है? तो तुम्हारा टेस्ट कुछ इस तरह से है, ये तुम्हें काली रस्सी दिख रही है, क्या हमें इस पे चलना है? नहीं बच्चे, तुम्हें असल में इस पे पुशअप्स लगानी होंगी, पुलअप्स लगानी होंगी लगातार एक मिनट तक। अगर एक मिनट से पहले नीचे गिरे तो ये कांटे तुम्हें खा जाएंगे, पूरी तरह से चबा जाएंगे। अरे बाप रे, ये कितनी हार्ड ट्रेनिंग है। बिल्कुल बच्चे। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तुम लोग कैसे यहाँ पर सही तरह से पुशअप्स पुलअप्स लगा पा रहे हो? मैं भी लगा रहा हूँ, मुझ में तो 1 किलो वजन भी नहीं है। यही फायदा हो गया पतला होने का। बाप बच्चा, मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन भाई मेरे से नहीं लग रही खड़े होके, मैं तो यहाँ पर पुलअप्स लगा लूंगा, मुझसे पुशअप सब नहीं बन रही। और बाप रे, जल्दी जल्दी यहाँ पर ट्रेनिंग कराओ, सिर्फ एक मिनट है। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। अरे बहुत हार्ड है। ठीक है, अब मैं तुम पर अटैक कर रहा हूँ। उठी किसम, ये अटैक क्यों रहा है? ये तुम्हारी स्ट्रेंथ देखने के लिए है, मेरे स्कूल में कोई भी कमजोर बच्चा नहीं आ सकता। अरे टोनी सर गिर गया। उठी किसम, अरे ये क्या कर रहा है डॉक्टर मिक्सेट? अरे मैं तो मर जाऊंगा। अरे बाप रे गाइस, डॉक्टर मिक्सेट ने तो पूरा प्लान बना लिया है हमारे आने का। अरे बाप रे, ये कैसे खतरनाक रोल है। चलो यहाँ पर जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करो। हे, मुझ में आग लग रही है। अजी बाप रे, मुझ में भी आग लग रही है, लेकिन हम बच गए। क्या बात है, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। चल टोनी, तू नीचे गिर रहा। अरे गिरा दिया मिक्सेट। अरे नहीं नहीं, प्लीज गाइस वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मुझे यहाँ पे स्कूल में ज्वाइन होना ही होगा, वरना मैं अनपढ़ रह जाऊंगा। और बच्चा फ्रैंकलिन, तू भी यहाँ पर हार चुका है, और यहाँ पर टाइमर 5 सेकंड रह गए हैं। तुम अगर नहीं गिरे तो तुम स्कूल में ज्वाइन हो सकते हैं। हम ज्वाइन होकर रहेंगे। चल गया, फट गया, लेकिन मैं यहाँ पे बच गया। हमने टेस्ट पास कर लिया। अरे लेकिन हमारा क्या हाल हो गया। अरे फ्रैंकलिन, ये क्या, ये बच्चे बच्चे लोग तो जीत गए भाई। उडीन की कसम, ये तो हमारी नाक कटने वाली बात हो गई। चलो मिक्सर से जाके बात करते हैं। हाँ तो बच्चा लोग, सिंचन पिंचन चौप, बधाई हो, तुम यहाँ पर स्कूल के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो। अरे वाह, हमने ट्रेनिंग पास कर ली। अरे बाप रे यार, वो ट्रेनिंग थी या टेस्ट था? बच्चा लोग, वो टेस्ट था, ट्रेनिंग तो थी नहीं। अगर तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है तो ले सकते हो। ठीक है, तो प्लीज हमें ज्वाइन कर लो यहाँ पर। तुम अब ज्वाइन नहीं किया जाएगा, तुम्हें पहले पीटा जाएगा। अरे हल्को मत पीटो। क्यों नहीं पीटो? तुम लोगों ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। तुम लोगों को अगर स्कूल में एडमिशन लेना नहीं आता तो क्यों आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सब क्या ही पिटाई हो रही है, इनकी मजा आ रहा है देखे। अरे बाप रे मिक्सेट, प्लीज हमें यहाँ पर टेस्ट देना नहीं आ रहा। लेकिन हमारी प्लीज ट्रेनिंग करवाइए, हम ट्रेनिंग में नंबर 1 आएंगे, फिर आप हमारा टेस्ट लेना, फिर हम स्कूल में ज्वाइन हो जाएंगे। प्लीज डॉक्टर मिक्सेट, हमारी मदद कीजिए। आपको पता है शहर में एक और स्कूल है रेडल का, बड़ा खतरनाक, हम वहां नहीं गए क्योंकि हम जानते हैं आपका स्कूल सबसे बेस्ट है। गाइस प्लीज कमेंट में यस लिखिए ना। अरे हाँ गाइस, प्लीज मिक्सेट को बना लो। अच्छा ठीक है बच्चा लो, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी सिंचन पिंचन चौप के लिए एक स्पेशल स्कूल वाला खतरनाक बैग लेकर आया। अरे वाह, डॉक्टर मिक्सेट तो हमारे लिए बैग लेने गए। बाबा तो मुझे तो मजा आ जाएगा,
गाइस डॉक्टर मिक्सेट देखिए यहाँ पर कितने चमकते धमकते से बैग लेने गया है भाई साहब। गाइस सोचिए यार, अगर अवेंजर्स का मेरा भी एडमिशन हो गया तो हम भी यहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट बन जाएंगे, क्या पता मैं तो एक समय इस स्कूल का टीचर भी बन जाऊँ। अच्छा ठीक है बच्चा लोग, सिंचन पिंचन चौपर, यह तुम्हारा खतरनाक बैग है। वाह भाई साहब कल वे भाई, ये तो चमकते धमकते बैग है स्कूल के। अरे यहाँ मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है अब सिंचन पिंचन चौप से। मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। अरे वाह कितना बढ़िया बैग लग रहा है ना मुझ पर, इसमें तो खतरनाक स्पेशल गैजेट्स भी है, इनका इस्तेमाल करके मैं दुनिया का सुपर हीरो वाला स्टूडेंट बनूंगा। हे मैं तो यहाँ पर करना एक वाला एस्ट्रोनॉट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, अंतरिक्ष में जाऊंगा। भाई साहब मैं तो बर्गर मैन बनूंगा भाई, बहुत खतरनाक कढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगा, मजा कर दूंगा। तो ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। अरे नहीं नहीं, हम क्लासेस में कल से जाएं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है फ्रैंकलिन भैया और बाकी के अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होगी सोच लो। बिल्कुल हल्क तैयार है, हल्क को स्कूल में ज्वाइन होना है, हल्क को सिंचन से भी चमकता धमकता स्कूल का बैग चाहिए। मेरा को भी बैग चाहिए स्कूल का, मुझे भी ज्वाइन होना है। अरे मुझे भी ज्वाइन होना है। तो ठीक है बच्चा लोग, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली ट्रेनिंग पर लेकर आ गया हूँ। पता नहीं गाइस डॉक्टर मिक्सर हम सभी को कौन सी ट्रेनिंग पर लेकर आया, बताइए तो। असल में तुम्हारे पास तीन चॉइस होंगी, तीन चॉइस किस तरह की चॉइस बताता हूँ बच्चा लोग, सबर रखो। सबसे पहले ये देख लो आग। अरे बाप रे आग क्यों, ये तुम्हारी पहली चॉइस है, लेकिन किस लिए अभी बताऊंगा सुनता लो। दूसरी चॉइस है बिजली। अरे बाप रे कोई इन चीजों को क्यों चुनेगा, अभी पता चल जाएगा बच्चा लोग। और तीसरी चॉइस है कांटे, तुम्हें इन तीनों में से किसी एक चीज को चुनना होगा, और जो भी यहाँ पर इन तीनों को चुन के नीचे गिरा और यहाँ पर उस पर गिर कर सर्वाइव किया तो वही मेरे स्कूल की पहली ट्रेनिंग में नंबर वन आएगा, उसके बाद उसकी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। क्या, अरे बाप रे मैं तो चुपचाप से यहाँ पर कांटे चूज कर लेता हूँ, मुझे नहीं चलना आग में ना ही बिजली में। हाँ मैं तो बहुत ही समझदार हूँ, कांटों में कूदूंगा। गाइस यार स्पाइडरमैन कांटों पे गिरने वाला है, क्या लग रहा है उसकी ट्रेनिंग का ये वाला पहला टास्क सफल हो पाएगा नहीं। ओ भाई साहब स्पाइडरमैन, अरे मेरा बच्चा स्पाइडरमैन मर गया स्कूल में ज्वाइन होते होते। अरे बाप रे मैं तो कांटों में नहीं कूदूंगा, मैं बिजली नहीं मैं तो आग में जाएगा, मैं यहाँ पर सर्वाइव कर लूंगा। या तो मरो या फिर स्कूल का हिस्सा बनो, यही चॉइस है। अरे चल गया, बहुत बुरी तरह से चल गया। उडिन केसम, अरे ये क्या हो रहा है, अरे अवेंजर्स तुम इतने नूब कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पा रहे। अरे बाप रे यहाँ पर बेचारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया भी शायद ऊपर वाले को प्यारे हो गए। ओह माय गॉड गाइस ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे फ्रैंकलिन मुझे तो रोना आ रहा है भाई, इससे बढ़िया तो हम रेड हल्क का स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, ये मिक्सर तो बढ़ा सकते हैं, अब जा नहीं सकते, अब यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर कांटों पे कूद जाता हूँ, क्या पता कोई चांस हो यहाँ पर। बड़ी जोर से लग गई। टोनी टोनी मेरे भाई उठ जा। गाइस ये क्या हो रहा है यार, गाइस आपने वीडियो लाइक नहीं किया क्या, प्लीज अब तो लाइक बटन दबा दो, हम सब तो यहाँ पर हार रहे हैं, मेरे को रोना आ रहा है। उठिन क्यूसम, अरे हम तो बिजली का देवता है, हम तो बिजली चूज करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। हा, गाइस हाँ ये बात तो सही कही, थॉर तो जीत सकता है। अरे बाप रे वाह हमें कुछ नहीं हुआ, एक मिनट, अरे अरे करंट, अरे मर गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बिजली है। अरे बच्चे ये तेरी दुनिया की नहीं हमारी दुनिया की बिजली है, ये तेरी बैंड में जाएगी, तू मर सकता है, लगता है ये मर भी गया। ओ नो गाइस ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या चूज करूं। हल्क हल्क पहले चूज करेगा, हल्क यहां पर आग आग चूज करेगा, हल्क को आग से बचने की 100 साल की ट्रेनिंग है। अरे बाप रे गाइस हल्क देखिए कितनी भी तरह जल रहा है। हा, 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 अरे हल्क जल रहा है। अरे बाप रे लगता है हल्क भैया भी हार जाएंगे। यही हल्क भैया नहीं हारेंगे, वो स्पिनचैन की तरह खतरनाक स्ट्रांगेस्ट है। वाह तो हमारा हल्क जीतेगा, हल्क जीत गया, हल्क यहां पर जीत गया। हा, हल्क की ट्रेनिंग पास हुई, हल्क जीत गया, हल्क नहीं मरा, हल्क जीत गया, हल्क को मजे आ गए। ओ भाई साहब गाइस देखिए हमारे हल्क ने लिटरली में पहले ट्रेनिंग का जो टास्क था वो पूरा कर दिया। क्या बात है गाइस, अगर हल्क कर सकता है तो मैं भी करके दिखाऊंगा लिटरली में। ठीक है बच्चे तेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, या तो मरेगा या फिर स्कूल का मेंबर बनेगा, समझा तू। फैंकी भैया करके दिखा दीजिए, आप कर सकते हैं। अरे नहीं फैंकी भैया की मुश्किल नहीं है, फैंकी भैया से नूब है। अच्छा बेटा तुम लोग देखते जाओ, मैं यहाँ पर बचकर दिखाऊंगा और स्कूल का टॉपर बन के भी दिखाऊंगा। गाइस मैं सही कह रहा हूँ ना, प्लीज जल्दी यस लिखो, मैंने यहाँ पे बिजली चूज किया। अरे बाप रे वैसे तो करंट हल्क जीत गया, हल्क यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए दुनिया का टॉपर स्टूडेंट बनेगा। अरे भाई मैं मर लूंगा नहीं। अरे बाप रे ये क्या, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, लगता है गाइस मैं भी मर रहा हूँ। अरे कोई बचाओ, कोई प्लीज फ्रैंकलिन हो पिलेगो। हल्क का दोस्त मर गया, हल्क के सारे दोस्त मर गए, हल्क अब स्कूल जाके क्या करेगा। ओह नो ये क्या हो गया डॉक्टर मिक्सर भैया, मैं तो मजाक में हंस रहा था, यहाँ पर तो सब मर गए। अरे बाप रे बड़ा दुख की बात है, अवेंजर्स सर्वाइव नहीं कर पाए, चलो कमेंट में आरआईपी लिख दो। भाई साहब हमारे अवेंजर्स योद्धा थे भाई, लड़ते लड़ते मरे, भाई स्कूल में ज्वाइन नहीं हो पाए तो क्या हुआ, ऊपर वाले के पास तो ज्वाइन हो गए।
ओह माय गॉड, मुझे लगा तो मैं मर ही गया, लेकिन मेरी सांस वापस आ गई। वाह, मैंने सरवाइव कर लिया। उठी किसम, मैंने भी कर लिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया है? स्पाइडरमैन तो नहीं? अरे बाप रे, बड़ी जोर से लगी लेकिन बच गया। बाप रे, मैं जल रहा हूँ या फिर बच रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, डॉक्टर स्ट्रेंज भी उठ गया यहाँ पर। गाइस ये देखिए, यहाँ पर हम सबने सरवाइव कर लिया। क्या हम स्कूल में आ गए क्या ऊपर वाले के? नहीं नहीं नहीं, हम नीचे वालों के स्कूल में। अरे वाह, हल्क तो खुश हो गया। अरे वाह, मजा आ गया, हमारे एवेंजर्स ने पहला टास्क पूरा कर लिया है। अरे वाह, अच्छा लोग तुमने कमाल कर दी, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला टास्क पूरा हुआ। लेकिन दिक्कत ये हो गई, तुमने बहुत देर कर दी उठने में, इसलिए यहाँ पर अब तुम्हारा टास्क टू किया जाएगा। क्या टास्क टू? अरे वाह प्रेम, कहीं ऐसा ही कुछ खतरनाक टास्क मत दियो। चिंता मत करो, इससे बुरा ही टास्क होगा, इससे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब कौन सा टास्क होगा? मेरी बात सुनो बच्चा लोग, तुम सभी को यहाँ पर सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं। हल्क को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, गाड़ियाँ तो मैं भी चला सकता हूँ। गाड़ी चलानी नहीं है, गाड़ी उठा के पुशअप्स लगानी है। मेरी बात सुनो, जब तुम पुशअप लगाओगे हर 10 सेकंड पे तुम्हारी गाड़ी बढ़ जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या मतलब है इसका? मैं समझा नहीं, अभी समझ जाएगा। देखो बच्चा लोग, यहाँ पर 30 सेकंड तक स्पाइडरमैन को एक गाड़ी के इस्तेमाल से किसी भी हालत में पुशअप्स लगानी होंगी। रुका तो मरा, लेकिन जैसे ही अब 20 सेकंड बचेंगी एक और गाड़ी आ जाएगी, और 10 सेकंड बचने पर एक और। कोई नहीं कोई नहीं, मैं यहाँ पर खतरनाक तरीके से सब कुछ सर्वाइव कर लूंगा। भाई साहब, गाइस अपना स्पाइडरमैन 3 गाड़ियों का वजन लेकर पुशअप्स लगा रहा है। ओ नो, ये क्या? अरे बच्चे, ये तो बुरी तरह से हार गया। ओहो, अब मुझे लगता है ये स्कूल में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। अरे कमर टूट गई मेरी, हालत खराब हो गई। डॉक्टर मिक्सेड, ये तो बहुत गलत किया आपने, मुझे जीतने देना चाहिए था। अरे बच्चे कोई नहीं, आगे ट्रेनिंग होंगी और कर लियो। अरे बाप रे, मैं क्या करूं, मैं तो अंतर्यामी हूं। मैं यहां पर योगा करता हूं, पुशअप्स नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं कार तो क्या बुलडोजर उठा लूंगा और अपनी बॉडी शॉडी बना लूंगा। कम ऑन डॉक्टर स्ट्रेंज, कर सकता है, मेरे बस की नहीं है। अरे मरने वाला हूं मैं, मर गया। ओ नो यार, ये क्या, यहां पर हमारा अंतर्यामी डॉक्टर स्ट्रेंज इस ट्रेनिंग में फेल हो गया। यार सिंचन जॉब तो लगी थे, पहले टास्क में ही पास हो गए भाई, और यहां पर हम ट्रेनिंग ही करते जा रहे हैं। दोबारा हल्क जाएगा, हल्क कार को बिस्किट समझ के खा जाएगा। और बच्चे खाना नहीं है, कार उठा के पुशअप लगानी है। अरे हल्क 3 कार तो क्या, 300 कार उठाएगा। हल्क ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई? अरे वाह, हल्क भैया कर दिखाएंगे। हल्क भैया हमारी टीम के कलीग बनेंगे, हमारे क्लास के स्टूडेंट बनेंगे। बिल्कुल, हल्क स्टूडेंट बनेगा, फिर सुपरवाइजर, फिर हल्क बनेगा टीचर, फिर बनेगा हल्क प्रिंसिपल। और बच्चे क्या बात है, यहाँ पर 3 कार का वजन उठा के भी तू यहाँ पर खतरनाक पुशअप लगा पा रहा है। गाइस यहाँ पर हल्क ने लिटरली में 3-3 कार का वजन सर्वाइव कर लिया। और वाह बच्चे, हल्क ने यहाँ पर ये टेस्ट पास कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चे, अब तुझे स्कूल बैग मिलेगा। भाई साहब मुझे भी स्कूल बैग चाहिए, मुझे भी स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। गाइस मैं भी यहाँ पे पुशअप लगाऊंगा। गाइस हम यहाँ पर पूरी जान लगा दें, कम ऑन फ्रैंकलिन तू कर सकता है। ओ नो गाइस, 20 सेकंड होते 2 कार हो जाएंगी। अरे बाप रे, अरे मेरे मेरे हाथ भाई टूटने को तैयार है। फ्रैंकलिन भैया आप कर सकते हैं। हे फ्रैंकलिन भैया, आपको करना होगा। बिल्कुल गाइस, इससे पहले कि अरे बाप रे नहीं हो पाया मुझसे। अरे बाप रे मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैं तो हार गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गलत बात हुई बच्चे। कोई बात नहीं है फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर, यहाँ पर और भी है। ओगिर किसम, मैं जीत के दिखाऊंगा, इस स्कूल का हेड मास्टर बन के इन ट्रेनिंग ग्राउंड को हटाऊंगा और लोगों से नाची नाची करवाऊंगा। क्या बात है मेरे भाई थोर, तू तो कमाल कर रहा है। ओ भाई साहब, इस पे तो 22-23 सेकंड पे ही 2 गाड़ी डाल दी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। अरे अरे एक मिनट, अरे कमर टूट गई। अरे बाप रे यार, थोर की बैंड बज गई। ओह नो गाइस, अगर हम सभी इस ट्रेनिंग टेस्ट में पास हो जाते तो शायद डॉक्टर मिक्सेट खुश हो गए, हम सबको यूनिफॉर्म और स्कूल बैग देता। अरे बच्चे अब कौन बची, लगता सब हार गए। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, अरे मुझे जीतना है। गाइस मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहां पर लोहा बनाया है, लोहे को आयरन मैन बनाया, आयरन मैन से लोहा पीटा है, लेकिन आज समय आ गया अपनी बॉडी को लोहा बनाकर ताकत दिखाने का। कम ऑन स्टॉक, तू कर सकता है। अरे बाप रे, 2 कार बहुत खतरनाक है। गाइस प्लीज कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो, अगर आप चाहते हो मैं जीतूं मुझे इस स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा। कम ऑन आयरन मैन, तू कर सकता है। हां टोनी भैया कर सकते हैं आप। अरे बाप रे गाइस, बस 5 सेकंड 4 सेकंड। और वाह बच्चे, तू तो यहां पर कमाल कर दिया टोनी स्टॉक, तूने तो टास्क पूरा कर दिया। क्या बात है, मैंने कर दिखाया मिक्सेट। और वाह बच्चे, अरे वाह, हल खुश हो गया। लेकिन हमारा क्या डॉक्टर मिक्सेट? कोई नहीं बच्चों, अब यहां पर तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब तुम्हारा फाइनल दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा। क्या टेस्ट? अरे वो कहीं रस्सी वाला तो नहीं? हाँ बिल्कुल बच्चा लोग, चलो मेरे साथ जल्दी से। अगर उस टेस्ट में पास हुए तो ऑफिशियली तुम स्कूल के मेंबर बन जाओगे और तुम यहाँ पर सुपरवाइजर भी बन सकते हो। अरे वाह, मुझे तो मजा आ जाएगा। मुझे तो स्कूल बैग मिल गया। गाइस यार, यहाँ पर सिंचन बिंचन चौप तो ऑलरेडी स्कूल के मेंबर हैं और हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं भी ट्रेनिंग करूंगा, हल्क भी करेगा और मैं भी करूंगा, मैं यहाँ पर जीत के रहूंगा। और टूरी सर मैं भी करूंगा। उठी किसम, मैं भी करूंगा। और बच्चों तुम कर सकते हो, बस 15 सेकंड और फिर उसके बाद तुम्हारा नियंत्रण बन जाएगा, तुम स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट बनने के लायक हो जाओगे। क्या बात है फ्रैंकलिन, हम सब जीतने वाले हैं। गाइस हम सब जीतने वाले हैं, हम सभी स्कूल के मेंबर बनेंगे, देख लेना ये और ये भी पता करेंगे बाद में कि हमारे स्कूल को किसने फाड़ा था। मजा ही आ गया, अब तो डॉक्टर मिक्सेट जी जल्दी जाइए और हमारे
भाई एवेंजर्स के लिए यूनिफॉर्म और साथ में स्कूल के बैग लाइए। बिल्कुल सही कहा, चलो तुम्हारी यूनिफॉर्म्स में अभी ऑर्डर पर डालता हूँ, बाकी तुम्हारे मैजिकल स्पेशल बैग लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें बैग के स्पेशल खासियत बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से तुम यहाँ पर हमारे स्कूल में मैजिक करना सीखोगे, साथ साथ में ट्रेनिंग भी सीखोगे। क्या बात है, मैं तो सोच रहा हूँ मिक्सेट मेरे लिए क्या लगा। और अब आप रहा है ये क्या हो गई, और अब आप रहा है मेरी अलमारी में से सारे मैजिकल बैग कहाँ गए, अब मैं बच्चों को क्या दूंगा, ये तो गड़बड़ हो गई। एवेंजर्स मेरी बात सुनो। क्या हो गया डॉक्टर मिक्सेट भैया, आप अकेले क्यों आ रहे हैं, स्कूल बैग कहाँ है, कहीं वो उड़ के आएंगे। अरे बापरे क्या हो गया डॉक्टर मिक्सेट भैया, इतने होले होले क्यों आ रहे हो। और अब आप रहा बच्चों मुझे माफ कर दो, सारे बैग चोरी हो गए। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता है, पहले हमारा स्कूल ब्लास्ट हुआ, अब मिक्सेट के स्कूल में चोरी होने लगे, ये जरूर किसी की सोची समझी चाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई चाहता कि मन पढ़ रहे और स्कूल में ज्वाइन ना हो। मुंह चौकी को सम, जल्दी चल ब्लैक फ्रैंकलिन, तुझे मैं अपने स्कूल का बेस्ट टीचर बना दूंगा, बस यहाँ पर इस डॉक्टर मिक्सेट का स्कूल बंद करवा दे। अरे बिल्कुल, सारे के सारे लोग हमारे स्कूल में आके गुंडे बनेंगे गुंडे। और डॉक्टर मिक्सेट यहाँ पर अपने स्टूडेंट को मेरे स्कूल के हवाले कर दे। और बाप रे तुम लोग कौन हो, ये हमारा स्कूल दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल बनेगा और तुम लोगों को हमारे स्कूल में ज्वाइन होगा वरना मार देंगे। इसका मतलब क्या तुमने हमारा बैग चुराया। बिल्कुल, वो स्कूल बैग हमारा है और ये कार भी हमारी है। ओ नो, अबे ब्लैक फ्रैंकलिन ये कर रहा है। ओए ब्लैक फ्रैंकलिन सर, बोल सर मैं यहाँ पर तुम्हारा टीचर हूँ। ओए ब्लैक फ्रैंकलिन ये क्या कह रहा है तू यहाँ पर, हम डॉक्टर मिक्सेट के स्कूल में ज्वाइन होने आए तुम्हारे नहीं। और मुझे सब जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे स्कूल को क्या हुआ, तुम्हारे स्कूल को बड़े ही मजे लेके मैंने और ब्लैक फ्रैंकलिन नहीं पढ़ा था क्या। एक मिनट गाइस, इसका मतलब अवेंजर्स के स्कूल को तबाह करने वाला ये रेड हॉक ब्लैक फ्रैंकलिन है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो हम नहीं तुम्हें। चलो बेटा अब चुपचाप यहाँ पर तुम्हारे स्कूल को तबाह करते हैं। और अब आप बच्चा लोग मेरा स्कूल बचाओ। और अब मुझे कसम मुझ में भी आग लग गई। ये क्या हो रहा है, नहीं बाबा मेरा स्कूल बैग मत जला दियो। भाई ये क्या कर दिया, डॉक्टर मिक्सेट तू ना मैं कुछ भी नहीं सिखाया, पिटवा और दिया। ये क्या हो रहा है, पिंकी भैया बचाइए। अरे गाइस ये क्या, ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो डॉक्टर मिक्सेट का स्कूल तबाह करने आ गया। मेरे को दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर बनना है, इसलिए यहाँ पर मैं बाकी के स्कूल की बैंड बजा दूंगा। ही सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारी मर्जी से पढ़ेंगे और हमारे लिए पैसा भी कमाएंगे पढ़ने के बाद। बिल्कुल सही कहा, जल्दी से इनको बंधक बना ले। बिल्कुल सही कहा, बड़ा ही मजा आ जाएगा। अरे बाप रे कोई बचाओ, चलो अब जल्दी चलते हैं, इनका सारा पैसा स्कूल बैग यूनिफॉर्म से सारी चीज लेकर भगले ब्लैक फ्रैंकलिन। बिल्कुल सही कहा, मैं जल्दी यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे बाप रे ये क्या, ओह नो, नहीं पूरा स्कूल तबाह हो गया। और बाप रे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो करोड़ों का स्कूल तबाह हो गया। अबे फ्रैंकलिन अब हम क्या करेंगे, अब कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, हम क्या करें। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया कुछ कीजिए ना। वैसे गाइस एक तरीका है हमारे स्कूल को बचाने का, जल्दी बताना फ्रैंकलिन। अगर डॉक्टर मिक्सेट के जितने भी स्पेशल बैग्स वो चुरा कर लेके गए और यूनिफॉर्म्स हम उनको वापस अपने स्कूल में ले आए तो उनका स्कूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, हल्क तेरे साथ चलेगा। ऑलराइट गाइस, अब हमारा मिशन है अपने स्कूल को बचाना। सबसे पहले हम यहां पर ना इस स्कूल की आग बुझाएंगे। और बच्चों तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब तो ठीक हो जाएगा, पहले तुम स्कूल बैग लेकर आओ। ऑलराइट गाइस, डॉक्टर मिक्सेट यहां पर स्कूल की केयर कर लेगा, मतलब आग जो लगी है उसको बुझा लेगा। बाकी हम अवेंजर्स जा रहे हैं स्कूल बैग लेने। एक बार ये स्कूल बैग में ले आया ना भाई, मेरी वेस तो पूरे स्कूल में नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड में सुपर हीरो की बन जाएगी। हां मैं तो सुपर स्टूडेंट बन जाऊंगा, हल्क भी बन जाएगा। सबसे पहले मेरी बात सुनो गाइस, हमें यहां पर इस रेडल की आर्मी को डिफीट करना होगा और हमें यहां पर बच्चों को नहीं पीटना है क्योंकि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। सबसे पहले इस बॉडीगार्ड को पीटो, उसके बाद इस मोटे रेडल को। मुंचों की कसम मजा आ गई, मैजिकल बैग अपने बच्चों को दूंगा, स्कूल में बदल ना बनाऊंगा। ओ भाई साहब जितने भी मिक्सेड के स्कूल बैग थे वो इधर मिलेंगे हमें यहां पर। और गाइस यहां पर जल्दी चलते हैं। अरे बाप रे मैं तो जा रहा हूं। अबे सिंचन सुन तो, प्लेन से जाना था। ओए मुच्छर मैं तुझे मारूंगा। अबे तू कौन है, अरे मार रहा है मुझे। अरे बाप रे, अरे बॉस बचाओ, निकल यहां से मोटा कहीं जा। अब बात है हमारा सिंचन कुछ कम नहीं है इन खतरनाक लोगों से। सिंचन बहुत बढ़िया, अब बस उस रेडल को और पीटना है हम लोगों। ठीक है सही है फ्रैंकी भैया, जल्दी आइए। अबे सिंचन बिना पूछे मत जा वरना गड़बड़ हो सकती है। चलो गाइस अच्छा ही है, अब इस रेड हल्क के वीआईपी स्कूल को जरा सबसे फर्जी स्कूल बनाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, बस मुझे सबसे पहले यहां पर इस रेड हल्क से पीछा छुड़ा के उस खतरनाक स्कूल बैग पे पहुंचना है। अवेंजर्स तुम इनको यहां पर लिटरली में खतरनाक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करो। ऑलराइट गाइस, यहां पर अवेंजर्स ने अपना काम कर दिया होगा, बाकी जितने भी स्कूल। अबे फ्रैंकलिन अबे बचा। हैं एक मिनट, ये आवाज कहां से आई। फ्रैंकलिन भैया बचाइए। बाबा सब बचा ले कल वे। अरे बाप रे ये क्या गया, मुंह चौकी कसम मजा आ गया। हां हां बोला था ना बंधक बनाएंगे। ओह नो ये क्या, ओह नो अवेंजर्स को आग में जला दिया। अबे फ्रैंकलिन ये क्या हो गया, मुझे लगता है इनको पता था कि हम यहां आने वाले हैं। अरे बाप रे इसका मतलब चल दी। बिल्कुल सही कहा, अब तो हमारे स्कूल में पढ़ोगे, यहां ट्रेनिंग करोगे, यहां पर चीजें सीखोगे और दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बनके दुनिया के बाकी स्कूलों को तबाह करोगे जिससे कि हमारा स्कूल दुनिया का बेस्ट बन जाए। अरे बाप रे ऐसा कौन सा स्कूल है, हमें ज्वाइन नहीं होना तेरे स्कूल में। तुझे होना पड़ेगा फ्रैंकलिन वरना भी इनको मार लूंगा। नहीं 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 प्लीज इनको मारियो मत। अरे तो गड़बड़ हो गई गाइस, कमेंट में जल्दी इसे नेक्स्ट पार्ट लिखिए, अगर आप नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे तो यहां पर मैं सबको बचा पाऊंगा और शायद अपना स्कूल भी बना पाऊं। प्लीज जल्दी से स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।